नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल राव इंश्योरेंस फेक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले ESIC MTS एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022, इसका एग्जाम कल समाप्त हो चुका है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का, इसकी आज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो ये कट ऑफ का पूरा एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाला है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस समझ लेंगे ताकि हमको कट ऑफ समझ में आ सके कितना क्या कट ऑफ रह सकता है। अगर हम टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1948 थी। टोटल फॉर्म फिल की बात करें तो 4 लाख से लगभग 5 लाख के आसपास या 4.5 लाख आप मान सकते हैं इतने फॉर्म फिल किए गए थे। उसमें प्रेजेंट स्टूडेंट की बात करें तो लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें एग्जाम में भागीदारी निभाई थी। अब पर सीट कंपटीशन निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि अच्छा एक चीज़ बता रहा है, मेंस के लिए 10 गुना कैंडिडेट, जो आपकी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो लगभग 19,480 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो अगर इसका आप क्या करेंगे, जो आपके कैंडिडेट्स हैं ये 3 लाख इसमें आप डिवाइड कर देंगे तो लगभग आपका 15 कैंडिडेट्स पर सीट आपका निकल आएगा। तो इतना आपका कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो आपका एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट रहा है। तो इस एनालिसिस को देखते हुए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो आपका कट ऑफ रहेगा, अगर हमें जनरल की बताऊं तो जनरल का लगभग 154 से अगर 165 के बीच बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS की बात करें 149 से 161 के बीच में अगर आपका बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। OBC का थोड़ा इसके ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है, तो 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो 150 से 162 के बीच बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। SC की बात करें 148 प्लस आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और ST की बात करें तो 141 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक मिनिमम कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एनालिसिस के बेसिस पर। तो इतना लगभग कट ऑफ जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।